राखी दबोलीना ने लगाया एंटरटेनमेंट का तड़का, सोनाली ने किया अन्न का अपमान, रूबीना निक्की ने निकाले सोनाली के आंसू। वेल दोस्तों, शुक्रवार का आने वाला एपिसोड मजेदार भी होने वाला है, धमाकेदार भी होने वाला है और काफी ज्यादा इमोशनल भी होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राखी जो है वो जूली बनकर एंटरटेनमेंट करने वाली है घर वालों का, जहां पर राखी ये कहते हुए नजर आने वाली है कि आई एम एंटरटेनर। यहां पर राखी घर वालों का खूब सारा एंटरटेनमेंट करती हुई नजर आएगी और यहां पर राखी की हरकतों पर घर वाले हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हैं। तो वहीं यहां पर देबोलीना भट्टाचार्य जो है गोपी बहू बनने वाली है और अपने अवतार से सबको ठहाके लगवाने वाली है। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में सोनाली अर्शी के बीच भी झगड़ा होने वाला है। साथ ही साथ यहां पर हम आपको बता दें कि सोनाली जो है वो अन्न का अपमान करती हुई नजर आएगी, डस्टबिन में पराठे फेंक देगी, जिसके बाद घर वाले जो है सोनाली के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। तो वहीं निक्की और रूबीना सोनाली की जमकर क्लास लेने वाली है। साथ ही रूबीना सोनाली के लिए ये कहने वाली है कि इनका वीआईपी नेचर है, अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अन्न का अपमान करे। और उसके बाद फिर रूबीना कहती है कि अगर इन्हें अन्न का अपमान ही करना है तो अपने घर जाकर करे। वहीं साथ ही निक्की भी फटकार लगाती है सोनाली को और कहती है कि आप बेशरम की तरह खाना फेंक रहे हो, यहाँ पर अन्न नहीं मिल रहा है घर में और आप फेंके जा रहे हो, इसीलिए मैं आपको बेवकूफ कहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर निक्की सोनाली से कहती हुई नजर आती है कि चल हट, जिसके बाद सोनाली निक्की को धक्का देती हुई दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि यहाँ पर निक्की और रूबीना की बात सुनकर सोनाली जो है काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। सोनाली की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, सोनाली काफी रोने लगती है, जहाँ पर विकास सोनाली को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो वही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो है सोनाली इस कदर इमोशनल हो जाती है कि वो बिग बॉस से ये अनुरोध करती है कि बिग बॉस प्लीज मुझे घर भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिलहाल आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।